नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। यूपीएससी 2021 का फाइनल परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें बिहार के कटिहार जिले के शुभम कुमार टॉपर बने हैं। वहीं सिवान के लाल सैदपुरा निवासी सुरेश तिवारी के आईपीएस पुत्र लक्ष्मण तिवारी ऑल इंडिया स्तर पर 71वां रैंक प्राप्त किया है। बताते चले कि 21 वर्ष की आयु में लक्ष्मण तिवारी 2019 में यूपीएससी की परीक्षा में 176वां रैंक ला कर आईपीएस बने और ट्रेनिंग में ही दोबारा प्रयास करके यह सफलता हासिल की है। आइए देखते हैं वर्ष 2019 में प्रथम बार मिली सफलता के बाद श्री नारद मीडिया से हुई बातचीत का विशेष प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज हमारे साथ जिले के एक लाल यानी लक्ष्मण तिवारी जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शुरू हुई परंपरा ये लगातार आगे चल रही है और सबसे बढ़ के 2019 यूपीएससी का रिजल्ट में आप लक्ष्मण तिवारी जी प्रॉपर आईएएस में आप सिलेक्ट हुए हैं। आपका रैंक काफी अच्छा है, तो आज हमारे साथ लक्ष्मण तिवारी जी हैं। मैं हमारी पूरी नारद मीडिया की टीम की ओर से लक्ष्मण तिवारी जी को सबसे पहले बधाई और साथ ही आपको ये बताते हुए बड़ा हंस हो रहा है कि हम लोग उनके गांव यानी गोरिया कोठी के सैदपुरा गांव में हैं और साथ में उनके पिताजी भी हैं। तो सबसे पहले हम लक्ष्मण तिवारी जी से एक छोटा सा सवाल जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइए लक्ष्मण जी, इस परीक्षा के बारे में आपके मन में सबसे पहले कब विचार आया? जी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा। इस परीक्षा के बारे में ध्यान मुझे 3 साल पहले आया, तो मैंने 2.5 साल पहले धीरे धीरे प्रिपरेशन चालू कर दी, लेकिन फुल इंटेंसिटी में प्रिपरेशन 2 साल पहले मैंने चालू किया। तो अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले मैंने सोचा था इसके बारे में। आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए। हाँ, मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक वर्नाकुलर मीडियम में ही पढ़ा हूँ मैं, यहीं से बिहार से, और मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है पॉलिटिकल साइंस में, और लास्ट ईयर मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और इस साल मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक किया और मेरा रैंक है 176। अच्छा, ये बताइए कि आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो आपको ऐसा ये लगता था कि मुझे सिविल सर्विसेज निकालनी है या सिविल सर्विसेज में जाना है, या आप लेक्चर वगैरह में भी जा सकते थे? जी, मेरा पहला प्रेफरेंस सिविल सर्विसेज ही था, क्योंकि मेरे मुझे कुछ काम करनी थी सोसाइटी के लिए और अपने कंट्री के लिए, और मेरा बैकअप प्लान था एकेडमिक्स। अगर सिविल सर्विसेज में नहीं होता तो मैं एकेडमिक्स के फील्ड में जाता। आपके सब्जेक्ट क्या रहे? जी, मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जी, तो पॉलिटिकल साइंस का तो सिलेबस काफी वास्ट है और काफी अपडेटेड है, इसके लिए तैयारी के लिए आपने क्या क्या किया? जी, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो जो पेपर 2 होता है पॉलिटिकल साइंस का, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो पूरा डायनेमिक है, वो चेंज होते रहता है, हर 2-3 महीना पे चेंज होता रहता है, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ता है ताकि आप स्कोर अच्छा कर पाए, तो उसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है। अच्छा, ये इस तैयारी के दौरान कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? डेली में 10 घंटे पढ़ता था लगभग। इसके लिए आपने कहीं कोचिंग वगैरह ली, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कोचिंग या प्री मेंस के लिए कोचिंग? हाँ, मैंने क्लासेस ली थी बाजीराम एंड रवि से, वहीं से मैंने प्री मेंस की और टेस्ट सीरीज में लगाया था विजन आईएएस से, जीएस स्कोर से और सुब्रह रंजन मैम के, और इंटरव्यू में लिया था 2-3 इंस्टीट्यूट और से, सो यही था मेरा। ये जो अपना बिहार है, ये बिहार से काफी लड़के आईएएस की परीक्षा के लिए दिल्ली में तैयारी करने के लिए जाते हैं, कई लोग असफल भी हो जाते हैं और कई लोग सफल भी होते हैं, तो जो लड़के अभी इस समय तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? एक ही यहाँ पे मंत्र है, आपको डेली पढ़ना पड़ता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और परसिवरेंस होना चाहिए। आप मोटिवेटेड रहिए, डेली पढ़िए और अपना डिसिप्लिन मेंटेन करिए। मोटिवेशन से ज्यादा सिग्निफिकेंट है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो मोटिवेशन 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, तो डिसिप्लिन चाहिए यहाँ पे। पढ़ाई करने के दौरान आपको ये लगता था कि मैं इतनी बड़ी परीक्षा को क्रैक कर जाऊंगा? हाँ, अगर बिलीफ होनी चाहिए, सबसे पहली बात है, अगर बिलीफ ही नहीं होगा तो आप कभी क्रैक नहीं करेंगे, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तभी आप कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये मीडियम, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, अब मैं इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रहा हूँ,
तो ऐसा नहीं लगता था कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या मैं नहीं कर सकता हूँ? जी ये स्टार्टिंग में लगता है, एक दो महीना लगता है, लेकिन मीडियम कोई इश्यू नहीं है। आप भी पढ़ेंगे तो एक दो महीना में आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, इटालियन, फ्रेंच, कुछ भी, तो मीडियम कोई इश्यू नहीं था। अच्छा ये बताइए, यूपीएससी का जो ये सिलेबस है, क्या इसमें और चेंज चाहिए, या अभी जो चार जीएस के सब्जेक्ट आ गए हैं, एक सब्जेक्ट आया है, पहले दो था, पीटी का भी जो सब्जेक्ट हटा दिया गया, उसके बाद से सीसेट भी क्वालिफाइंग कर दिया, तो क्या इसमें कुछ चेंज किया जा सकता है? अभी का जो सर सिलेबस है वो बहुत ही डायनेमिक है और बहुत अच्छा सिलेबस है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी बुक्स पे वो लोग कम फोकस करते हैं, आपको करंटली जो चल रहा है हैपनिंग है उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी सिलेबस में कोई चेंज लानी चाहिए, और ये सिलेबस सबके लिए एप्लीकेबल है और ये इक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है अपने सोसाइटी में, कि एक गरीब घर का लड़का और एक अमीर घर का लड़का, उनको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी नो मैटर व्हाट। आप कोचिंग भी लें कुछ भी लें, आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा, खुद से पड़ेगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस प्रेशर के साथ, जिस तैयारी के साथ आपने तैयारी की और एग्जाम क्रैक किया है, इससे ज्यादा प्रेशर आपके जॉब में आने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग या कैडर जो है वो बहुत बड़ी चीज है। इस प्रेशर के बारे में आपने कभी सोचा है? जी मैंने सोचा है इसके बारे में सर, और मेरा एक रीजन ये भी था इस सर्विस को ज्वाइन करने का, डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस। इस सर्विस में डाइवर्सिटी भी है और चैलेंजेस भी है, तो एक टाइप का एडवेंचरिज्म रहेगा यहाँ पे और काम करने में मजा आएगा, तो ठीक है। एक निजी सवाल पूछते हैं, आप आपके घर में जो मदर फादर हैं या सभी संबंधी हैं, वो रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन उन्होंने आपको कैसे हेल्प किया? मोटिवेशनल, इमोशनल हेल्प था, फाइनेंशियल हेल्प था, यही सब हेल्प था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड भी किया और हेल्प भी किया। दिल्ली रहने के दौरान आप यहाँ गांव पे हमेशा आते जाते रहते थे? हाँ, स्टार्टिंग में मैं आते रहता था, पिछले ढाई तीन साल से मैं नहीं आया था, क्योंकि मैं प्रिपरेशन मोड में था, तो मोमेंटम टूट जाता है। एक बार आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो एक महीना के लिए, उसके बाद मोमेंटम टूट जाता है, तो फिर मोमेंटम पकड़ने में टाइम लग जाता है, तो टाइम वेस्ट होता है उस टाइम से, तो मैं आया नहीं। एक सवाल बाबूजी से करते हैं, बाबूजी आपको ऐसा लगता था कि बेटे जो है वो भारत की इतनी बड़ी परीक्षा, जो जिसको हम लोग आईएएस का एग्जाम बोलते हैं, उसको ये निकाल लेंगे? जी हाँ, ये हमारा पूरा भरोसा रहा हमारा बेटा पर, ये निकाल लेंगे पढ़ाई उनका लगन देख के। कैसन रुआ यहाँ के समर्थन करी, चाहे कैसे यहाँ के रुआ हमेशा ढाढ़स बनाई कि तू तारा एग्जाम निकाले के बाबे? जी हाँ, हम तो एक बार इनका से कहनी जे बाबू हमरा कहे और कुछ मन दियो, ये पद लेके देखा दियो और यहाँ के में सफल भाई। कभी कभी मन में ऐसा लागे कि कहीं हो सकता कि ना होके तो का हुई? जी ना, हमारा 100% गारंटी रहे इनका पढ़ाई पर, इनका चाल चलन पर भरोसा रहे। बाबूजी को बड़ी ही आत्मविश्वास के साथ बेटे की तैयारी करवाए, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं और खासकर हमारे जिले के गांव के परिवेश के, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप सबसे पहले सिलेबस देंगे। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि दो दो साल पढ़ने के बाद पता चलता है कि एक सिलेबस भी है यूपीएससी का। तो यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग अंडर सन पढ़ना है, कुछ लिमिटेड पढ़ाई ही करनी है, तो उसके लिए आपको सिलेबस देखना सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत वही है। और दूसरी जरूरत है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको देखें, उसको एनालाइज करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद से आप अपनी प्रिपरेशन की डायरेक्शन को मोड़ सकते हैं। और डिसिप्लिन बनाए रखें, डेली पढ़ें, 6-7 घंटे डेली मिनिमम पढ़ना चाहिए किसी को भी। और हिंदी इंग्लिश जो मीडियम है ये एक मिथ है, आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, आपने क्वालिटी है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हिंदी मीडियम से भी सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे जिनका लिटरेचर पंजाबी होता है, कन्नड़ होता है, वो भी सिलेक्ट होते हैं। तो ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है। यूपीएससी एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एग्जाम कंडक्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ आप बुक्स का नाम बताइए जो एज ए एकेडमिक और एज ए सिविल सर्विसेज के लिए क्या होनी चाहिए? जी पेपर
जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। सो पेपर वन में दो पार्ट होता है, एक होता है थिंकर्स एंड थ्योरी का, उसके लिए ओपी गौवा और एंड्री हेवर्ट का बुक है, आप वो पढ़े। और पेपर वन पार्ट बी का जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, उसके लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं या फिर राजीव मेहता पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स है। तो मुझे लगता है इसमें करंट अफेयर ही आता है, तो आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं और थोड़ी सी बैकग्राउंड की नॉलेज है वो काफी है। और बीएमए के लड़कों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस है यहाँ हम लोग के जिले में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कौन सी बुक्स है? बुक्स मैं आपको कंटिन्यूली बुक का नाम बता दे रहा हूँ, ओपी गौवा, एंड्री हेवर्ड का बहुत सारी बुक है, जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थिंकिंग या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन सब पे बुक है। और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला पोर्शन है पेपर टू का, उसके लिए आप इग्नू का बुक पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है उसका। और इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके लिए आप पढ़िए राजीव सिकरी का बुक है, इंडिया सिक्योरिटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी, वो अच्छी बुक है। और इन सब के अलावा मुझे नहीं लगता कि बुक का उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। पॉलिटिकल साइंस में 90% पेपर्स आते हैं करंट अफेयर्स से, जो न्यूज़पेपर से रहेगा, और 10% आप बुक से लिख सकते हैं, दैट्स इट। एक बड़ा दिलचस्प सवाल, आप जब इंटरव्यू बोर्ड में थे तो इंटरव्यू बोर्ड किसका था और उसमें सबसे दिलचस्प सवाल आपसे क्या पूछा गया? मेरा इंटरव्यू बोर्ड था बीएस बस्ती सर का, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। तो मुझसे पहला सवाल यही पूछा गया कि आप इतने यंग हो, आप 22 साल के हो। तो बस्ती सर ने पूछा कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है मेरे करियर का, जो मैं 21 साल के बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो वो पूछे कि हाउ डू यू कन्विंस मी दैट यू वॉन्ट बी मैनिपुलेटेड बाई पॉलिटिशियंस एंड ऑल, यू वॉन्ट सकम टू प्रेशर। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि सर मेरे पास ये क्वालिटीज है और इन क्वालिटीज के बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं सकम नहीं होगा। और दूसरा जो ट्रिक क्वेश्चन था वो था, क्योंकि मेरा हॉबी था बर्ड वॉचिंग, तो वो ट्रिक क्वेश्चन था कि आपने कभी कुकू के नेस्ट को देखा है एग्स के साथ? तो मैं 2-3-5 सेकंड सोचा, फिर बोला कि सर कुकू जो है अपना जो अंडा है किसी और के घोंसले में देता है, तो मैंने नहीं देखा अभी तक। तो सारे हंसने लगे, यही दो ट्रिक क्वेश्चन थे वहां पे। और टफ क्वेश्चन ऐसा जिस पर आप जवाब न दे पाए हो? हाँ, 3-4 सवाल ऐसे भी थे जो जिनका सवाल आंसर मैं नहीं दे पाया। तो इंटरव्यू में आपको ऑनेस्टी मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि वहां जो 5 मेंबर बैठे हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। आपकी उम्र है 20 साल 21 साल 22 साल और उनकी 60 साल की एज होती है, 35 साल काम कर चुके हो, 5 आदमी है तो 300 साल का एक्सपीरियंस है, आप उनको वहां पे फूल नहीं बना सकते। अगर आंसर है पता तो बोलिए, अगर नहीं पता है तो सिंपली बोल दीजिए सर आई डोंट नो, दैट विल बी अप्रिसिएटेड। वो लोग खुश हो जाएंगे, चलो नहीं आता है नहीं बता रहे, ईमानदार है। अगर आप नहीं आता है फिर भी बताएंगे ना, तो वो पकड़ लेंगे, वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्किंग में कुछ आएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ से आपकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है, सितंबर महीने में आपको मसूरी जाना होगा जहां से ट्रेनिंग के लिए कैडर उस समय तक अलॉट हो जाएगा, इसके बाद आप एक नई यात्रा शुरू करेंगे, तब भी गांव आते जाते रहेंगे? जी, अगस्त में मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो पहले मसूरी में होगा, उसके बाद हैदराबाद एंड ऑल भारत दर्शन। तो जो फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग होती है उसमें कहीं नहीं जाना होता है, उसमें लीव नहीं मिलता, तो वो 6-7 महीने चलती है, उसके बाद आप घर आ सकते हैं, 1 वीक का लीव रहता है। उसके बाद फिर से सेकंड फेज की ट्रेनिंग चालू होती है, उसमें भी आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन थर्ड फेज के ट्रेनिंग में सर आपको कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी, ऑफिसर ट्रेनी आप बन जाएंगे, तो आप घर आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, ये बिल्कुल सैदपुरा गांव में ये चरितार्थ हो रहा है और लक्ष्मण जी ने उसे साबित करके दिखाया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप चीफ सेक्रेटरी के पद तक को सुशोभित करेंगे और भारत के बड़े से बड़े पद को आप निश्चित सुशोभित करेंगे। ये जो परंपरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डाली है वो लगातार चल रही है और आगे भी अनवरत जारी रहेगी। पूरी नारद मीडिया की टीम की ओर से आपको बधाई, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, आने के लिए मैं आपको थैंक यू। जी हाँ, जे आर कॉन्वेंट दोन में 17-20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ, वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है? विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे।
जीआर कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही जीआर कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन जीआर कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठाएं। इस विद्यालय की विशेषताएं, आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी हैं। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी, बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन, 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा, प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है, आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118, 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।